डेमो के लिए तैयार हुआ ट्रैक्टर नहीं है। आगे का बम्पर जो कंपनी देती है वही बम्पर है, कोई अलग वेट नहीं दिया गया है। और देखिए बिल्कुल भी आगे से नहीं उठ रहा है ट्रैक्टर। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि मैसी ट्रैक्टर खेती के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ जी, लेकिन ट्रॉली में आगे से लिफ्टिंग करता है, ये है। अभी वो पहले की समस्या थी, हाँ जी। अभी इसकी जो पीछे की हिच है उसको एडजस्टेबल कर दिया, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ट्रैक्टरों की लंबाई भी बढ़ा दी है, हाँ जी। तो ऐसी समस्या कोई नहीं आ रही। ये हमारा एक शक्ति प्रदर्शन है जो हम अभी कर रहे हैं गांवों में। जो मैसी के बारे में भ्रम है वो निकाल रहे हो आप, बिल्कुल लोगों का भ्रम निकाल। किसान भाइयों बड़ी चढ़ाई आ चुकी है, गियर शिफ्ट कर लिया है, चढ़ाइयाँ भी आई होगी, सिंगल रोड भी आई होगी, तो बढ़िया परफॉर्मेंस। बहुत बड़ी बड़ी चढ़ाई है ये, यहाँ से हमें H1 से L2 L1 में भी ट्रैक्टर चलाना पड़ता है कई बार, तो आराम से ट्रैक्टर निकल गया, कहीं भी हमने आगे से इसको हिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी आगे से टोचन करने की जरूरत नहीं पड़ी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आज का जो वीडियो है मैसी ट्रैक्टर है ना, जो डेमो दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैसी 1035 और पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, उसके पीछे तीन ट्रॉलियाँ अटैच है और तीनों ही ट्रॉलियाँ फुल लोडेड के साथ आ रही है, तीनों ट्रॉलियों में फुल लोड है, मिट्टी से भरी हुई है तीनों ट्रॉली। और सामने देखिए आप चढ़ाई है बहुत बड़ी, उस पर चढ़ पाएगा या नहीं दिखाते हैं आपको, मिट्टी से भरी हुई है तीनों ट्रॉली। मैसी 1035 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, देखिए देखिए किसान भाइयों ताकत देखिए मैसी की, परफॉर्मेंस देखिए, पूरे पावर के साथ चल रहा है ट्रैक्टर। मैसी को ज़्यादा खेत की जुताई के लिए माना जाता है, लेकिन ये जो मॉडल है ये देखिए लोड के काम में कितना परफेक्ट बनाया है कंपनी ने। आगे चढ़ाई देखिए आप, बहुत बड़ी चढ़ाई है, ट्रैक्टर दब रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, देखिए किस प्रकार दहाड़ रहा है ट्रैक्टर, आवाज़ देखिए कितनी लाउड है इसकी। चालीस हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, मात्र 40 हॉर्स पावर, आगे से भी बिल्कुल नहीं उठ रहा है। ये कंपनी का डेमो का ट्रैक्टर नहीं है, ये किसी जमींदार का ही ट्रैक्टर है, किसी किसान भाई का ही ट्रैक्टर है, डेमो के लिए तैयार हुआ ट्रैक्टर नहीं है। आगे का बम्पर जो कंपनी देती है वही बम्पर है, कोई अलग वेट नहीं दिया गया है। और देखिए बिल्कुल भी आगे से नहीं उठ रहा है ट्रैक्टर, परफॉर्मेंस देखिए आप ट्रैक्टर की, और मेन चढ़ाई आ गई है, अभी मेन चढ़ाई पे चल रहा है ट्रैक्टर। देखिए किसान भाइयों एक बार भी ट्रैक्टर नहीं रुका है, आराम से इस चढ़ाई पे चढ़ चुका है, पावर शानदार है इसकी। किसान भाइयों मैसी ट्रैक्टर का डेमो चल रहा है और सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके देखते हैं कि क्या मकसद है इनका और क्या चल रहा है, कितनी ट्रॉलियाँ वगैरह वजन वगैरह सब जानते हैं इनसे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, मेरा नाम तरसेम सिंह मान, मैं डेमोस्ट्रेटर टैफे IGC बेल्ट राजस्थान, मानगढ़ हमारी डीलरशिप है, नरेश जी गुजारा वहाँ के वो डीलर है हमारे, अच्छा सर, ये राव सर उनकी ब्रांच है, तो हम ये पिछले 3 दिन से ये मल्टी ट्रॉली डेमो कर रहे हैं। अच्छा सर, और कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है सर? ये हमारा ट्रैक्टर है जो 40 HP ट्रैक्टर है। हाँ जी, वो 40 HP ट्रैक्टर है और आप पीछे कितना लोड दे रखा है आपने? इसके पीछे 3 ट्रॉली है लोडेड, 3 ट्रॉली, हर ट्रॉली में 8+ मतलब 8 टन से ज्यादा वजन है, 25-26 टन तो मिट्टी का वजन हो गया, हाँ जी, और 6 टन की ये अकेली ट्रॉली है। अच्छा, तो 31 टन का टोटल इसका वेट है।
अच्छा सर, तो ये आप डेमो दे रहे हैं, आपने कच्चे रास्ते भी चुने होंगे, पक्के रास्ते भी चुने होंगे, तो कैसी परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि मैसी ट्रैक्टर खेती के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ जी, लेकिन ट्रॉली में आगे से लिफ्टिंग करता है, ये है। अभी वो पहले की समस्या थी, हाँ जी, अभी इसकी जो पीछे की हिच है उसको एडजस्टेबल कर दिया, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ट्रैक्टरों की लंबाई भी बढ़ा दी है, हाँ जी, कोई ऐसी समस्या कोई नहीं आ रही। ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है जो हम अभी कर रहे हैं गांव में। हाँ, जो मैसी के बारे में भ्रम है वो निकाल रहे हो आप? बिल्कुल, लोगों का भ्रम निकाल रहे हैं, किसी ने टेस्ट ड्राइव लेनी है तो वो टेस्ट ड्राइव भी ले सकता है, किसी ने अपनी गांवों में कोई डेमो करवानी है, अच्छा सर, तो वो भी मानसर में ब्रांच है, हाँ जी, वहाँ वो संपर्क कर। अच्छा सर, तो ये आपने कब शुरू किया था और कितना सफर आपने तय कर लिया और कितना और दूर जा? हमें 3 दिन हो गए, पिछले 3 दिन से हमें डेली हम 60 से 70 किलोमीटर निकालते हैं, 10 से 12 गाँव। तो बीच में बहुत सी चढ़ाइयाँ भी आई होगी, सिंगल रोड भी आई होगी, तो बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ आई है यहाँ से, हमें H1 से L2 L1 में भी ट्रैक्टर चलाना पड़ता है कई बार, तो आराम से ट्रैक्टर निकल गया, कहीं भी हमने आगे से इसको हिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी आगे से टोचन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से ट्रैक्टर और आगे से भी उठने की कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या नहीं है। वो सारी जो आगे से ट्रैक्टर उठता ना वो हिच की प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, क्या हिच अगर बढ़िया हो तो ट्रैक्टर आगे लिफ्टिंग नहीं करता। अच्छा सर, वो हम चलाएंगे ये 3 प्रॉब्लम के साथ, आपने वीडियो भी देखना, ऊंची पे जाएंगे कहीं भी लिफ्टिंग नहीं करेगी। चलिए सर, अब देखते हैं इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए किसान भाइयों, ट्रॉली को लेके जब चला है ट्रैक्टर तो आराम से चल दिया है, एक बार भी लोड नहीं बनाया ट्रैक्टर। किसान भाइयों, दूसरी चढ़ाई आ चुकी है, बिना क्लच गियर शिफ्ट करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए क्लच दबाया ही नहीं और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, और अब शिफ्ट करके दिखाएंगे आपको, ये देखिए बिना क्लच दबाए, ये मैसी की खास बात है। किसान भाइयों, बड़ी चढ़ाई आ चुकी है, गियर शिफ्ट कर लिया है, ये देखिए रोड से नीचे उतर गया ट्रैक्टर, लेकिन फिर भी देखिए आराम से ऊपर चढ़ गया दोबारा रोड पे।